महाराष्ट्र में भी चुनावी तारीखों का कल ऐलान हो गया और इसी के साथ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए अब एनडीए सीईसी की अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता शिरकत कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी महाराष्ट्र को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी बातचीत को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा 145 से 155 तो शिवसेना शिंदे जो है वो 85 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन के तीसरे बड़े दल की अगर बात करें अजीत पवार गुट तो इसमें से 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। वहीं विपक्षी अगर एमवीए की बात करें तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बराबर सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस 100 से 110, शिवसेना यूबीटी 100 से 110 और शरद पवार की एनसीपी 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इन्हीं सीटों में वाम दल और दूसरे जो छोटे दल हैं उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। रौनक, अब चुनावी तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ही वहां पर हलचल जो है वो तेज हो गई है। अगर बात करें बीजेपी की तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? दूसरा दल जो है वहां पर अब क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उद्धव गुट जो है वो बड़े भाई की भूमिका में था, लेकिन जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव में अब क्या कांग्रेस यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकता है सीटों को लेकर? जी देखिए, निश्चित तौर पर पहले मैं महाविकास आघाड़ी की आपको बात बता दूं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह की कामयाबी महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली उससे ये लगभग तय माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। हालांकि उनका जो दावा है वो लगभग 110 से 125 सीटों तक का दावा है, लेकिन अब कितनी सीटें मिलती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस से लिहाज से आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली में आज सीईसी की बैठक यानी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 84 के करीब उम्मीदवारों के नाम आज लगभग फाइनल कर दिए जाएंगे और हो सकता है कि कल उनकी सूची भी जो है कांग्रेस पार्टी जारी कर दे। अब उद्धव ठाकरे खेमे की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे खेमा और कांग्रेस के बीच में अब भी 58 ऐसी सीटें हैं जहां पर अब भी विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। हो सकता है एक दो दिनों में इसको लेकर भी अहम बैठक कर इसको सुलझा लिया जाए। लेकिन एनसीपी की अगर बात की जाए शरद पवार की पार्टी की तो वह लगभग पहली सूची 50 उम्मीदवारों की 19 से 20 तारीख को जारी कर सकती है, इस तरह की जानकारी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की तरफ से दी गई है। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में आज दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। लगभग 100 उम्मीदवारों के नामों की सूची जो है वो लगभग फाइनल कर दी जाएगी और एक दो दिनों में उनके नामों का ऐलान भी जो है वो हो सकता है। वहीं अगर शिंदे गुट की बात की जाए तो लगभग 80 सीटों की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 70 और 80 के बीच में कहीं उनको सीटें मिल सकती है। वहीं अजीत पवार को 50 सीटें मिल सकती है, इस तरह की जानकारी उपलब्ध हो रही है। और मुझे लगता है कि एनडीए खेमे में बहुत ज़्यादा सीटों को लेकर अब मामला नहीं फंसा है, कुछ एक सीटें हैं और उसको लेकर भी मामला जो है वो अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी के स्तर पर जल्दी सुलझा लिया जाएगा।